नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ सुनीता हंसराज। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो कि बीकानेर से आ रही है। बीकानेर के कई कांग्रेसी पार्षद आए बीजेपी के साथ। कांग्रेसी पार्षद सीतादान और निर्दलीय पार्षद रमेश शर्मा दीप सिंह भाटी के जरिए कांग्रेस पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। इस वक्त की बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। वरिष्ठ नेता शंकरदान भी बीजेपी में शामिल। सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भी थामा बीजेपी का दामन। तो बीकानेर के कई कांग्रेसी पार्षद आए बीजेपी के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर, कांग्रेसी पार्षद सीतादान और निर्दलीय पार्षद रमेश शर्मा देव सिंह भाटी के जरिए कांग्रेस पार्षद बीजेपी में हुए शामिल। खबर पर और अपडेट लिए हमारे संवाददाता नासिर जैदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नासिर, किस तरह से देखेगी अब कांग्रेस इस चीज को कि कांग्रेसी पार्षद जो है वो बीजेपी के साथ जुड़ गए हैं ठीक चुनाव से पहले? सुनीता, हम आपको बता दें कि ये खबर बीकानेर के पास देशनोक की है। देशनोक एक जगह है बीकानेर के पास, जहां करणी माता का मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। ये खबर वहां की है और वहां देवी सिंह भाटी, जो कई सालों से घर वापसी की कोशिश कर रहे थे, कई सालों बाद उनकी भारतीय जनता पार्टी में वापसी हुई, उनके स्वागत में देशनोक में एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें हजारों लोग शामिल हुए। और उसी प्रोग्राम के दौरान कांग्रेस के कई पार्षद सीतादान और वरिष्ठ नेता शंकरदान बीजेपी में शामिल हुए। उनके साथ एक निर्दलीय पार्षद रमेश शर्मा अपने समर्थकों के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। देखिए, ये चुनाव का वक्त है और चुनावों में अक्सर इस तरह के मंजर देखने को मिलते हैं। अभी और भी मंजर देखने को मिलेंगे, ये शुरुआत है। तो इधर से उधर आना जाना चुनावों के दौरान बढ़ जाता है और इसी कड़ी में देशनोक में ये तमाम जो मंजर पेश आया है, ये वाकया पेश आया है। और देवी सिंह भाटी, जो एक कद्दावर नेता कहे जाते हैं और कोलायत में कई सालों तक तकरीबन 7 मरतबा वो कोलायत से MLA रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी में उनका कद बहुत बड़ा है, और जब वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं थे तब भी उनका कद बहुत बड़ा था, तो उनके कद को देखते हुए इन लोगों का भारतीय जनता पार्टी में शामिल होना बहुत अहमियत रखता है और हो सकता है कि अभी और भी कई उठापटक देखने को मिले। सुनीता जी, तो किस तरह की उठापटक और देखने को मिल सकती है, क्योंकि आचार संहिता लागू हुई है, चुनावों का यहाँ पर ऐलान हो गया है, 23 नवंबर को चुनाव है राजस्थान में, और ठीक उससे पहले इस तरह की खबर आना कितना अहम बीजेपी के लिए और कितना नुकसान, यह हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए ये एक सोच विचार करने वाली बात होगी? देखिए सुनीता, मैंने पहले भी अर्ज किया कि ये चुनावों का मौसम है, चुनावों में इस तरह के मंजर सामने आते रहते हैं। किसी के लिए ये मंजर खूबसूरती बढ़ा देते हैं और किसी के लिए खूबसूरती घटा देते हैं। तो फिलहाल ये खूबसूरती भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी है, क्योंकि अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ 3 बड़े लोग देशनोक से शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में, और इससे बीजेपी को जहां मजबूती मिलेगी और वहां देवी सिंह भाटी का कद भी इससे बड़ा होगा। अभी इस तरह के मंजर और भी देखने को मिलेंगे, क्योंकि चुनावों के मौसम में अक्सर इस तरह के वाकयात पेश आते रहते हैं। कई लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे, कई लोग कांग्रेस में भी जा सकते हैं, तो ये चुनावों का मौसम है, कुछ भी हो सकता है। सुनीता जी, तो गेंद कभी किसी पाले में और कभी दूसरे पाले में इस तरह से देखने को मिलेगा, क्योंकि चुनाव का अब मौसम है। शुक्रिया नसीर जैदी हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए।